नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना संकट के बीच नदियों में तैरती लाशों से खौफ में हैं लोग, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सोमवार को गंगा घाटों के 2 किलोमीटर के दायरे में 24 से ज्यादा शव 3 से 4 दिनों से उतराए पड़े मिले हैं। सड़न और दुर्गंध के बाद तटवर्ती इलाके के लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी। उधर बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड में सोमवार को गंगा नदी में कम से कम 40 शव बरामद किए गए, जिससे इस कोरोना काल में इस क्षेत्र में लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर है। लोगों में इन लाशों से संक्रमण का डर भी सता रहा है। अब स्थानीय प्रशासन मामले की छानबीन कर रहा है, आखिरी शव कहां से बहकर आए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि लोगों को शमशान घाट में भी जगह नहीं मिल पा रही है। शमशान घाटों में भी वेटिंग लिस्ट चल रही है। कई लोग शमशान घाट पर जगह नहीं मिलने के बाद परेशान है और कई जगहों पर लोग महंगी लकड़ी खरीदने में असमर्थ है। ऐसे में आशंका है कि ऐसे लोग अंतिम संस्कार करने के बजाय शवों को गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। बिहार और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अधिकारी एक और राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बक्सर के डीएम अमन समीर ने कहा है कि शवों को पड़ोसी गाजीपुर जिले में फेंक दिया गया था, वहां के जिला प्रशासन ने इस आरोप का खंडन किया था। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने शवों के गंगा नदी में मिलने की चर्चा करते हुए कहा कि 4 से 5 दिन पुराने शत ये शव पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से बहकर बिहार में आए हैं, ये बिहार के नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नदी में शवों को डंप करने के लिए कौन जिम्मेदार है। ये तस्वीर कोरोना काल की सबसे भयावह तस्वीरें हैं। नदी में तैरती लाशें गवाही दे रही है कि देश में कोरोना की स्थिति कितनी विकराल हो गई है। कोरोना महामारी के बीच नदी में कई जगहों पर शव मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन शवों को मौत के बाद अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ है। बक्सर के बाद अब यूपी बिहार बॉर्डर के पास गाजीपुर के गहमर गांव के पास गंगा नदी में दर्जनों लाशें मिली है। इतनी बड़ी संख्या में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है, हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में, हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। हम थोड़े समय बाद आपको। एक तो हवा में फैल चुका है कोरोना वायरस, अब पानी में भी कोरोना वायरस के फैलने का डर लोगों को सता रहा है। शवों के मिलने की सूचना जिला प्रशासन को देकर गुहार लगाई गई है। इन शवों का जल्द से जल्द सही तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए। अरे उसको अगर जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है, और प्रशासनिक अमला जो है कि नहीं है, अभी ऊपर से आदेश आया है शासन से, उसके हिसाब से अब जल प्रवाह नहीं होगा। इसकी जानकारी प्रशासन को पहले दे दी गई थी कि यहाँ पर लकड़ी के अभाव में और जो है लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है। बिना मुहाल हुआ अभी तो दुर्गंध आ रही है, आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। दरअसल ये मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र का है, जहाँ बिहार की तरफ बहने वाली गंगा में दर्जनों शव किनारों पर पड़े मिले, जिससे क्षेत्र में बदबू और दूसरे किस्म के संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा मंडराने लगा। गाजीपुर के बिहार की तरफ बहने वाली गंगा नदी गहमर क्षेत्र के गहमर गांव से होकर गुजरती है। इसके आगे बिहार का चौसा क्षेत्र शुरू हो जाता है। इससे पहले बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड में सोमवार को गंगा नदी में कम से कम 40 शव बरामद किए गए थे, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया। ये बता रहा है कि यूपी बिहार में भय परिस्थिति निर्माण हो गई है। दूसरी तरफ योगी जी सिर्फ विज्ञापन दिखा कर कि बहुत काम हो रहा है, इससे सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम कर रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश बिहार जिस तरह से बीजेपी ने रामराज की बात की थी, रामराज तो नहीं लेकिन दोनों राज्यों को बीजेपी ने राम भरोसे छोड़ दिया है। बक्सर जिला प्रशासन ने दावा किया कि बरामद शव बहकर आए हैं, जो कि करीब 3 से 4 दिन पहले के बताए जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि शव यूपी से बहकर आए हैं। अब यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में तैरती ये लाशें तस्दीक कर रही है कि बक्सर में गंगा नदी में मिली ये लाशें यूपी से ही बहकर आई है।
गंगा नदी से बरामद कई शव पीपीई किट में लिपटे मिले हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये सभी शव कोरोना से जान गंवाने वालों के हैं। दरअसल आजकल कोरोना संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि लोगों को शमशान घाट में भी जगह नहीं मिल पा रही है। शमशान घाटों में भी वेटिंग लिस्ट चल रही, कई लोग शमशान घाट पर जगह मिलने के बाद भी लकड़ी खरीदने में असमर्थ हैं। ऐसे में आशंका है कि कई लोग अंतिम संस्कार करने की बजाय शवों को गंगा में ही प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी के और भी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, जो हालात है जाहिर तौर पर वो स्थिति बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, और ऐसे में अब जो गंगा में शव बहते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर भी आप कहीं ना कहीं सियासत हावी होती जा रही है। इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इम्तियाज अंसारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। अश्वनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नवल किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। डॉक्टर राजेश प्रजापति हमारे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा अश्वनी शाही जी आपसे ही है, सर ये क्यों कहा जा रहा है या ये क्यों दावा किया जा रहा है या फिर किस आधार पर दावा किया जा रहा है कि ये जो गंगा में लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही है ये तो जी बिहार से आई है। देखिए बिहार से आने और बिहार में जाने का जो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नदी बह जा रही है, वो कहां से लाशें आई हैं, कहां से, उसके कारण का पता लगाने की जरूरत है जी, ये जी। दावा करने की नेहाजी जरूरत नहीं है जी। आपदा की स्थिति है, आपदा काल में आज जो है पूरा देश तबाही में मचा हुआ है, और हम आज इसकी बात करें तो ये बहुत ही गलत बात होगी कि कहां से आ रही है, कहां, ये जिला प्रशासन के लोग करते हैं, जो नाकारे अफसर है वो करते हैं कि हमारे यहाँ से नहीं आ रही, उनके यहाँ से आ रही, उनको अपने आंकड़े छुपाने होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, देखिए समय बहुत ही कठिन है जी। इस समय गांव में जो शहरों में एक जगह पर जलाने का शमशान बनाया जाता है और वहां पर लकड़ियां उपलब्ध होती हैं, गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में लोग क्या, 10 लोग 50 लोग गांव के लोग मिलकर एक लाखों का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन आजकल स्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं, बाप का शव बेटा नहीं उठा रहा है, बेटे का शव बाप नहीं उठा रहा है, किसी तरीके से 2-4 लोग लेकर लाखों को जा रहे हैं। अगर तो वहां पर अगर लकड़ी की कमी है, कुछ गरीबी है, तो उसमें दो चीजें कॉमन है, एक जल प्रवाह कॉमन है और एक अधजली शव, जो अधजला शव है। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, आग लगाकर वापस चले जा रहे हैं। तो वहां पर लाशें कभी कभी होती क्या है, जैसे कि ये भयावह स्थिति है और हमारे सभी सम्मानित पैनलिस्ट इसको जानते होंगे कि लकड़ियां अगर ठीक से न लगाई जाए तो थोड़ी देर बाद वो भरभरा कर गिर जाती हैं, तो पूरा शव ठीक से नहीं जल पाता है। इसलिए वहां पर नदी के किनारे ये होता है, वो नदियों में लोग जल प्रवाह करके आधे जले शव को छोड़ देते हैं। तो ये कई जगह का संस्कार है, परंपरा है, और कई जगह इस समय मजबूरियों में लोग कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि वहां पर इसका निस्तारण करने का, जो भी जिला प्रशासन हो, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उसको इसका निस्तारण करना चाहिए लाखों को सम्मानजनक तरीके से, जो कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने गाजीपुर में किया है जी, वो तो बिहार प्रशासन ने भी किया है जी, जी। वहां पर जो है उसको दफनाया गया है, शवों को, कुछ शवों को जलाया भी गया है। इम्तियाज जी, ठीक है सर, इम्तियाज जी क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी ये तो बिहार से नहीं है बल्कि ये तो उत्तर प्रदेश से आए हुए शव है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए स्पष्ट हो चुका है, जो आर के और जिला के प्रशासन ने जो जांच किया है, कहा है कि जो से आए थे, लेकिन उन तो जर्जर स्थिति काफी थी, लाशों हल कर हमारी हर सरकार के हमारे शासन के उनके जांच कोरोना टेस्ट के लिए भी मेडिकल टीम ने उसको उस जांच को ले गई है और इतनी कर चुकी थी उसको नदी के किनारे ही एक इकट्ठा करके उसको दफन भी हमारे जिला प्रशासन ने किया है, बड़ी संख्या में लाशें आई है, तो अंतिम संस्कार भी उनका यहाँ बिहार में उन लोगों का कर दिया गया है। जांच इसलिए किया गया है कि कल को उनके परिवार वाले कोई अगर जानना चाहे कि उनके लाश कहाँ गए तो उनको बता दिया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने किया है, क्योंकि इतना भयावह स्थिति है, किसी राज से आए, इंसान का ही लाश है, इंसान का ही बॉडी है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग मानवता के आधार पे बिहार सरकार ने और जिला प्रशासन ने हम लोग उसको
ये करने का काम किया है, डिस्पोजल करने का काम किया है। लेकिन बहुत दुख की बात है, देखिए बिहार में हम लोग अंतिम संस्कार के लिए माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी अंतिम संस्कार के लिए सभी धर्म के लोगों को एक मुफ्त राशि हम लोग उपलब्ध करा रहे, ताकि कोई गरीब या कोई आर्थिक स्थिति से जो लोग कमजोर है कोई लोग छूटे नहीं, उनका धार्मिक स्तर से उनके धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो बिहार में हम लोग प्रत्येक जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जिला प्रशासन राशि उपलब्ध करा रही है कोविड-19 पे, और उन लोग का राशि उपलब्ध करा के यहाँ हम लोग विधिवत नियमता धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तमाम चीजें आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं सर, लेकिन बावजूद इसके जो शमशान घाट है वहां पर लंबी कतारें लगी है, वहां पर टोकन सिस्टम अब शुरू किया गया है ताकि अंतिम संस्कार लोग अपने परिजनों का कर सके, और ऐसे में ये विचित्र स्थिति जो देखने के लिए मिल रही है। नवल किशोर यादव जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल देखिए जी जी, रखिए अपनी बात रखिए इम्तियाज। स्थिति इतनी भयानक है, संख्या मृतकों की संख्या इतनी बढ़ गई थी, इधर 2-3 दिन में कम हुई है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास रहा है काफी सफल रहा है, और ईश्वर की कृपा रही कि बिहार में अब हम लोग का कोरोना मृतकों की संख्या कम, प्रतिदिन कम हो रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है। लेकिन कई घाट ऐसा था जो हमारा बंद पड़ा हुआ था, उन घाटों को आपातकाल में तुरंत शुरू करवाया गया, घाटों की संख्या बढ़ाई गई, विद्युत सब वाहन के सब चीजें सही है सर, इम्तियाज जी सब चीजें सही है सर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है ये देखने के लिए मिल रही है, तो नवल किशोर यादव जी ये कितने दुखदायी है कि लोगों को गंगा में प्रवाहित करना पड़ रहा है, और ऐसे कि पूरा तरीके से नहीं हो पा रहा है, शमशान घाट में जा रहे हैं तो या तो लकड़ियां नहीं मिल पा रही है, या फिर टोकन सिस्टम मिल रहा है कि 4-4 दिन बाद नंबर आ रहा है, जगह नहीं मिल पा रही है, ये जो स्थिति है इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए ये तो ये जो देखने में आ रही है ये तो मानवता को संहार करने वाली घटना है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार सरकार या यूपी सरकार को छोड़कर और कौन हो सकता है? आप देखे होंगे कि जो बिहार सरकार की पूरी तैयारी है वो शून्य के समान है, जो जब जो बीमार है उसको पूरी तरह इलाज नहीं मिल रहा है, न कहीं गैस सिलेंडर है, न कहीं बेड की व्यवस्था है, और पूरी तरह से जो सूचनाएं मिल रही है वो काला बाजारी की मिल रही है, चाहे सुई हो चाहे सारा चीज आप देखेंगे कि अस्त व्यस्त है, और इसके लिए केवल नीतीश कुमार की प्रायोरिटी है। अभी उनकी प्रवक्ता बोल भी रहे थे कि सारा रेट घट रहा है, अरे भाई आप चेक ही नहीं कर रहे हैं तो घटने और बढ़ने का सवाल कहाँ है? पूरा देश जानता है कि जो बिहार में कोरोना महामारी को मिसमैनेज करने का इतिहास रहा है वो पूरे 1 साल में लोगों ने भुगता है, और ये जो लाशें दिख रही है, जब मरीज है तो उनको इलाज नहीं मिल रहा है, और जो मर जा रहे हैं कोरोना से उनको इज्जत पूर्वक अंतिम संस्कार नहीं मिल रहा है, यही उपलब्धि है नीतीश कुमार की। आप देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन में भी जितना वैक्सीन उन्होंने दिया वैक्सीनेट नहीं किया उतना बर्बाद हो गया वैक्सीन वहां पे, और ये डबल इंजन की सरकार जो बिहार में भी है और केंद्र में भी है ये बार बार कहते रहे हैं, क्या कारण है कि बिहार की 13 करोड़ जनता आज पूरी तरह से पस्त है और हर फ्रंट पे यह सरकार विफल रही है? ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि जो लाशें तैर रही हैं, और आप एक तरफ कहते हैं कि जो अंतिम संस्कार होगा वो सरकार की जिम्मेदारी है इस समय में, और महामारी के समय में ना आप उचित इलाज दे पा रहे हैं और नहीं इज्जत पूर्वक जो अंतिम संस्कार होता है उसको भी करा पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है जो कि भाजपा के अधीन है, अगर उनके अपने सांसद जो कि 48 सांसद है बिहार से, 260 CM है जब बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, इसके बावजूद भी अगर बिहार आज के डेट में सबसे खराब स्थिति में है तो हम किस और? ठीक है यादव जी, ठीक है, इम्तियाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए बिहार में रिकवरी रेट ऑन रिकॉर्ड है 82.77%, और रिकवरी रेट देखिए आपको जानकारी है, पढ़ते लिखते हैं, पहले डिबेट में बैठते हैं, पहले पूरा पढ़िए, पूरा जानकारी दीजिए, खाली कैसे आपका कैसे आपका विपक्ष के नेता आपके नेता तेजस्वी यादव झूठ करते हैं, आपके लगन लगन करते हैं, आपको जानकारी है, पूरा जानकारी रखते हैं, देखिए सर ये वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है,
ये वक्त सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है, एक दूसरे पर लांछन लगाने का नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है सर, जो हालात है उसको हम कैसे ठीक करें। डॉक्टर राजेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कोविड से हुई मौत पर सर सरकार का क्या प्रोटोकॉल है और क्या उस प्रोटोकॉल के तहत ही ये पूरी प्रक्रिया का पालन हो पा रहा है क्या? नेहा जी, टोटल जो डेड बॉडीज मिली वो 96 मिली अभी तक, जिसमें से 71 बक्सर में मिली है और 25 गाजीपुर में मिली है। दूसरी खास बात यह कि गाजीपुर में पिछले 15 दिनों में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगभग 59 है। अब हम बात पे आते हैं कि कोविड सस्पेक्टेड या कोई भी व्यक्ति जो कोविड से संक्रमित हो उसकी डेथ होने के बाद उसको उसके लास्ट रिचुअल से उसकी अंत्येष्टि कैसे की जाए। तो जो गाइडलाइंस है नेहा जी वो क्लियर कट है कि शव को प्रॉपर तरीके से बॉडी बैग में रख के सीधे क्रेमेटोरियम, मतलब जहां उसको शवदाह किया जाना है, संभव हो तो इलेक्ट्रिक शवदाह किया जाए, वहां पे ले जाया जाता है, कम से कम लोग उसको टच करें या उसके आसपास में हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से उसको जला के उसकी जो राख होती है उसको विसर्जित किया जा सकता है। लेकिन ये जो दूसरा तरीका ये भी होता है कि जैसे जो मुस्लिम्स में होते हैं वो डेड बॉडीज को बरी करते हैं, मतलब जमीन में गाड़ते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 6 से 8 फीट का गड्ढा खोदना होता है। तो कुल मिला के नेहा जी अगर हम बात करें तो समस्या ये है कि यहाँ पे जो जीते हैं उनको तो सुविधा मिल नहीं पा रही, तो मरने के बाद जो डेड बॉडीज है उनको कौन सही तरीके से अंतिम संस्कार करेगा? तो बॉडीज दम ठीक है। डॉक्टर राजेश, आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसी पे मैं अब एक रिएक्शन ले लेती हूँ अश्विनी जी से। अश्विनी जी, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत सर अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, अगर आप ये कह दें कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन सर मुझे ये बताइए अधजले शव जो बरामद किए जा रहे हैं या फिर नदी के किनारे जो मिल रहे हैं या फिर कुछ ऐसे शव है जो पीपीई किट में मिल रहे हैं, क्या हिंदू परंपरा की आड़ में हम कोरोना के साथ ये कहा जा सकता है कि इस कोरोना के खतरे को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्या? अगर 4 से 5 दिन से नदी किनारे अगर शव मिल रहे हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा तो और ज्यादा बढ़ जाता है। नेहा जी, आप सही कह रही हैं, ये सबसे ज्यादा खतरा संक्रमण का है। तो अगर जल प्रवाह ही हो रहा है या जो अधजली लाशें हैं तो जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो किनारे लगेंगी, और आजकल जो है आबादी हर जगह नदी के किनारे हो ही गई है, तो वो ऑब्वियसली जो है वो वहां पर आगे अब संक्रमण उसके आगे फैलने का खतरा है। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल का पालन करना, देखिए जो मौत अभी गाजीपुर में जो लाशें पाई गई हैं उसमें प्रथम दृष्टया देखा गया कि 18-20 दिन पुरानी लाशें हैं, तो कहीं पीछे से जहां से भी आई हो लाशें आई हैं, इसको कहने की कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश में सपा के लोग, बिहार में देखिए आरजेडी के प्रवक्ता जो है किस तरीके से कुतर्क कर रहे हैं, आज हम स्थिति यह है कि समस्या का समाधान खोजा जाए। आप विपक्ष में है तो समाधान भी खोजिए, समस्या मत बताइए। समस्या तो पूरा देश ग्रसित है इस समय, हर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, सब लोग, आप अपने व्यक्तिगत फोर्सेस से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके की बातें हो रही है वो अनुचित लगती है। लेकिन इससे जो और समस्या उत्पन्न हो रही है सर, उससे निपटने के लिए क्या सरकार तैयार है? अभी से जल प्रदूषण इससे हो रहा है या फिर जल में जिस तरह से संक्रमण की एक बात निकल के सामने आ रही है, लोगों में बीमारी फैलने का और खतरा जो पैदा हो रहा है, इन तमाम दिक्कतों से आगे कैसे निपटा जाएगा? इसके बाद का समाधान जहां तक सरकारें, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, समाधान पर काम कर रही है। अब बिहार ने हर जगह मजिस्ट्रेट बिठाना शुरू कर दिया है शमशान घाटों पर। हुआ क्या है, देखिए स्थिति इस तरह बनाया हुआ है, जो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बिहार और यूपी का बॉर्डर एक जगह है गुठनी, सिवान में पड़ता है, वहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी लाशें लेकर जाते हैं, बिहार के लोग भी लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर श्मशान में गांव के लोगों ने पूरा जो है बैरिकेडिंग कर दिया है, और बैरिकेडिंग करने के बाद किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, ये भी समस्या आ रही है लोगों का। सर ये भी तो एक खबर है कि मध्य प्रदेश के पन्ना के रुंज नदी में भी इसी तरह के शव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पे भी आधा दर्जन से ज्यादा शव वहां पे तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये कह दीजिए कि सर पता नहीं कहाँ से जो लाशें हैं वो बहती हुई आ रही है, लेकिन ये रुंज नदी में भी तो इस तरह के ही आलम है, इस तरह की स्थितियां हैं। सर सवाल इस बात को, मैंने मना नहीं किया है नेहा जी, मैंने इनकार किया कि लाशें नहीं मिली है, जो सामने है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन उसके समाधान पर बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारें काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी गाजीपुर में एसडीएम को लगा दिया गया है, एसडीएम अपना जाकर देख रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं क्या है कैसे है,
जो लाशें मिली है उनका अंतिम संस्कार कराया गया। आगे पीछे से आने वाले लाखों के लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर अब कराई जा रही है। क्योंकि देखिए जो आज कोरोना प्रोटोकॉल है, मैंने पहले भी कहा कि शहरों में सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, गांव में इक्का दुक्का लोग 10 घर मिलकर लकड़ी देती है, और आजकल लकड़ियों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। कल आपके चैनल पर ही आप थी, डॉक्टर साहब भी थे, मैंने स्पष्ट कहा था कि एक लाश हमारे गाँव में एक मृत्यु हुई, उसमें पेड़ काटना पड़ा, उसकी डालियां काटनी पड़ी, लकड़ियां हरी हरी मिल रही है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया, दिक्कत हो रही है। ठीक डॉक्टर राजेश, जल्दी से ये बताइए कि ये जो शव मिल रहे हैं सर, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, इससे और कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा फिलहाल बना हुआ है आसपास के गांव में, क्योंकि जाहिर तौर पर भयावह स्थिति है और एक एक डर का माहौल लोगों में बना हुआ है कि अगर इस तरह की लाशें यहां पर मिलती रही तो कई और बीमारियां फैलेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कानपुर, प्रयागराज, बनारस और उसके बाद गाजीपुर से होते हुए बक्सर में प्रवेश करती है गंगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है और ये जो आबादी, जो गंगा के किनारे जो गांव बसे हुए हैं नेहा जी, ये बहुत हद तक अपने पानी के निर्भरता के लिए गंगा पे निर्भर रहते हैं, पीने का पानी वहीं से लेते हैं। तो जिस प्रकार से कोविड डेड बॉडीज या सस्पेक्टेड कोविड डेड बॉडीज मिल रही है, तो ये बहुत हाई लेवल पे वाटर का कंटेमिनेशन हो रहा है। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं अभी तक वो ये कहती हैं कि फीको ओरल रूट, मतलब भोजन और पानी के माध्यम से जो कोरोना वायरस फैलता है जी जी, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से, क्योंकि ये कोरोना मृत व्यक्ति होते हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि जहाँ पे अगर कई सारी लाशें हैं उस एरिया का जो पानी हो, उस हिस्से का जो पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अच्छा, दूसरी बात नेहा जी, जो शायद अश्विनी जी को नहीं पता होगी, कल रात से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जल समाधि है, मतलब मृत व्यक्तियों को जल में प्रोवाइड किया जाता है, उससे बैन लगा दिया, उससे रोक लगा दी गई। बहुत अच्छा कदम, मुझे लगता है पूरे देश के राज्यों को, जो राज्य सरकारें हैं, सबको इस प्रकार से जो जल है, जो नदियों का जल है, उसमें लाशें प्रोवाइड करने पर फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक लगा देनी चाहिए, ताकि जो डेड बॉडीज हैं वो और भी लोगों को जो संक्रमित नहीं है उनको संक्रमित ना करें और बाकी लोगों का जीवन सुरक्षित है। लेकिन सर, इसके साथ साथ इम्तियाज जी, एक कदम और उठाने की जरूरत नहीं है कि बिहार सरकार भी इस तरह का कोई कदम उठाए और साथ ही साथ उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जाए, लकड़ी की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, शमशान घाट में अगर अगर जगह नहीं मिल पा रही है वहाँ पे जगह दी जाए? नहीं नहीं नेहा जी, बिहार में ऐसी कोई समस्या नहीं है, हम लोग घाटों की संख्या बढ़ा दी है और सरकार के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए समुचित राशि की व्यवस्था कर दी गई है, प्रबंध है, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग अंतिम संस्कार में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। हाँ, संख्या बढ़ी थी शुरुआती दौर में, हम लोग नंबर वाइज जो है अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, जिला प्रशासन SDM खड़े होकर के मॉनिटरिंग करके हर घाटों पे, बिहार में मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया गया था, जिस समय संख्या बढ़ी थी उस समय नंबर वाइज अंतिम संस्कार किया जा रहा था, राशि की भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जिला प्रशासन को पूरी तरह से राशि एकमुश्त दिया जा चुका है, सभी का अंतिम संस्कार उनके धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार किया जा रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा पर शामिल होने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर ये स्थिति क्यों आ रही है, ये स्थिति क्यों है इतनी भयावह कि यहाँ पर अब इतनी तादाद में लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इतनी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, ये भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है। और वक्त पर शायद अगर सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती या फिर मिल रही होती तो शायद ये स्थिति आज नहीं होती। तो जाहिर तौर पर इस तरफ भी कदम उठाने की जरूरत है ताकि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।